सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का नया एपिसोड आ चुका है और एक चीज़ मैं बोलूं, बहुत सारे फैंस जो है ये वेट कर रहे होंगे पिछला एपिसोड को देखने के बाद कि यहाँ पर हमें काइडो का हाइब्रिड फॉर्म देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है अलग स्टोरी दिखाई जाती है। पूरा एपिसोड जो था वो तामा के ऊपर फोकस था और जिस हिसाब से ये क्यूट बच्ची ने पूरे मैच का रुख बदल दिया, क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, ओनिगासिमा वॉर का रुख बदल दिया, क्योंकि हम सबको ये चीज नहीं भूलना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमें ये बताया गया था CP0 के द्वारा सामुराई की संख्या कम है काइडो के बीस्ट पायरेट्स के मुकाबले, बट ओतामा ने क्या किया, अपने कीविदांगों की मदद से जितने भी गिफ्टर्स है उनको अपने साइड में मिला दिया। वैसे मांगा स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं बस एनिमे वॉचर की तरह ही रिव्यू करने का ट्राई करूंगा। देखो, इससे जितने भी गिफ्टर्स हैं वो धीरे धीरे जो है सब सामुराई के साइड आ जाएंगे, लूफी के साइड आ जाएंगे और काइडो के खिलाफ फाइट करेंगे, जिससे क्या होगा, अपने साइड का पलड़ा भारी हो जाएगा। साथ ही साथ ये एपिसोड सिर्फ उसी के ऊपर फोकस नहीं था, मेरा फेवरेट मोमेंट था सासाकी वर्सेस फ्रैंकी का, बिकॉज जिस हिसाब से एनिमे में दिखाया गया बहुत ही ज्यादा मस्त था। हाँ, अगर कबाब में हड्डी बीच में नहीं आता तो फ्रैंकी ही डोमिनेट कर रहा था और एपिसोड के एंड होते होते भी हमें फ्रैंकी ही दिखाया जाता है जो कि उस पे भारी पड़ रहा था। पर यहाँ पर हमें एक और चीज नहीं भूलना चाहिए, अभी तक एनिमे में सासाकी का हाइब्रिड फॉर्म नहीं दिखाया है, वो भी अपना हाइब्रिड फॉर्म दिखाएगा। और हाँ, मैं फ्रैंकी और उसके फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ बात करूं, इस एपिसोड में हमें मालूम पड़ता है जो अपने हाई गुरु दद्दू है इसको वो आइस वाले जो ज़ॉम्बीज है उनमें से एक काट लेता है, तो क्या ये बुढ़ाऊ भी जॉम्बी बन जाएगा या फिर अपना चॉपर बचा लेगा, ये देखने के लिए तुमको जो नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा। बस यही सारी चीजें जो है हुई। अब अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछने वाले हो कि मेरे को ये एपिसोड कैसा लगा, देखो मांगा को अगर मैं साइड में रख दूं तो ये एपिसोड जो है ठीक ठाक सा था। और हाँ, साइड एपिसोड के हिसाब से अगर तुम तामा को अपना फेवरेट चाइल्ड कैरेक्टर्स में से एक मानते हो, जो कि मैं मानता हूँ जिस हिसाब से वानो में वो काम की है, ये एपिसोड अच्छा था यार। और अभी तुम लोग इस क्यूट बच्ची को और आगे देखने वाले हो। बात करो फ्रैंकी और सासाकी की, फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है और जिस हिसाब से अपना जनरल फ्रैंकी भाई पूरा पावर रेंजर वाली वाइब दिला के फाइट कर रहा, बहुत ही ज्यादा मस्त फाइट था। वैसे एपिसोड के लास्ट में वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और जिस हिसाब से उसमें रियू कोटिंग कर रहा था ना, क्या ही कोटिंग कर रहा था, जो चीज दिखाया जा रहा था वो चीज मैं देखना चाहूंगा आगे आने वाले एपिसोड पे। प्लस ये एनिमे वाले कई कई जगहों पे कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं और कई कई जगह पे कुछ चुतियाप कर देते हैं। जैसे 1015 का तो मैं क्या ही बोलूं, उसमें एनिमेशन बढ़िया था लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा चुतियाप किया था बोलो ही नहीं। इस एपिसोड में भी हमें देखने को मिला जैसे फ्रैंकी का वो स्वॉर्ड में रियू कोटिंग टाइप वो दिखाना थोड़ा अजीब सा मेरे को लग रहा था। बात करो नामी और उसोप के कैरेक्टर्स को, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम दिया गया, उनको दिखाया गया जिनका ज्यादा कुछ रोल था नहीं। हाँ, वैसे नामी ने उल्टी के ऊपर जो है अपना थंडर टेम्पो यूज किया जिस अटैक से उल्टी को कुछ नहीं होगा और पेज वन पीछे पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को कैसे करके ये लोग साइड हटाएंगे, देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट बॉक्स में बताओ। ओवरऑल ये एपिसोड जो है ठीक ठाक सा था, 10 में से 7.5 का रेटिंग देना चाहूंगा। तुम लोग का क्या मानना इस एपिसोड को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना और यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। साथ ही साथ तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने जो है ज्वाइन बटन जो है ऑन कर दिया है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, अब जो लोग नहीं चाहते मैं उनको जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। खैर, चाहो तो कर सकते हो, नहीं पसंद है मत करो, क्या फर्क पड़ता है। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।